अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू आर गुड एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुभान व तआला। माय सेल्फ मिस्टर विरिया गौहर, योर साइंस टीचर। वेल स्टूडेंट, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर, आई वांट टू शेयर सम वर्ड्स विद यू गाइस। आई हैव समथिंग टू टेल यू दैट टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर एंड यू आर वेल अवेयर व्हाट हैपन ऑन 16th दिसंबर। ऑन 16th दिसंबर टेररिस्ट अटैक was done on APS schools, so it is requested to you people that do recite Surat Fatiha in Kul Sharif for the martyrs of APS school. Okay, now move towards our today's lecture. यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था, जस्ट कि आप लोग उनके पेरेंट्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता करे और उनके लिए martyrs के लिए, शहीदों के लिए सूरत फातिहा और कुल शरीफ पढ़कर उनके लिए दुआ कर दीजिए। नाउ अपने बुक्स ओपन कर लीजिए, ओपन चैप्टर नंबर 9, एसिड्स एंड अल्कली, इट इज़ ऑन पेज नंबर 58। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 58, एसिड्स एंड अल्कलीज। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज बताएं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन देयर। नंबर 1, सम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आर इंडिकेटर। कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर के तौर पर काम आते हैं एसिड्स एंड अल्कलीज में, दैट इज ट्रू। ओके, नंबर 2, ऑल इंडिकेटर्स टर्न रेड इन स्ट्रॉन्ग एसिड। सबके सब इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर यूज होते हैं, वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में रेड कलर में चेंज होते हैं, दैट इज फॉल्स। हर इंडिकेटर का अपना कलर होता है, हर इंडिकेटर रेड में चेंज नहीं होता। ओके, नंबर 3, वेब स्ट्रिंग्स आर अल्कलाइन। वेब्स के स्ट्रिंग जो है अल्कलाइन है। एंटी एसिड विल न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ अ वेब स्ट्रिंग। एंटी एसिड जो है वो आपके वेब स्ट्रिंग को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दैट इज फॉल्स। एंटी एसिड टैबलेट्स हैं जो आपके इंडाइजेशन को ख़त्म करते हैं, ना कि वेब्स के स्ट्रिंग को। ओके, द लोअर द पीएच नंबर, जितना पीएच नंबर लोअर होगा, द वीकर द एसिड, उतना ही वीक एसिड होगा, दैट इज फॉल्स। उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, द स्ट्रॉन्गर द एसिड इज, बिकॉज जितने नियर बाय 1 होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग, जितनी कम पीएच होगी उतना ही एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी पीएच कम होगी एसिड आपका नहीं रहेगा, 7 पर आकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और 14 पर आकर आपका अल्कली में चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट रिमेन एसिड। ओके, नंबर 5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नॉन एज लाइमस्टोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइमस्टोन भी कहा जाता है, दैट इज फॉल्स। लाइमस्टोन नहीं, लाइम वाटर कहा जाता है। ठीक है, आपके जो फॉल्स स्टेटमेंट हैं उनकी आपने करेक्शन भी करनी है। ठीक है, लाइमस्टोन नहीं, लाइम वाटर कहा जाता है। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। दिस इज ऑफ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज। करेक्ट ऑप्शंस यानी कि आपके एमसीक्यूज हैं। योर एमसीक्यूज नंबर 1 इज, व्हाट कलर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा? ग्रीन। ठीक है, आप लोगों ने बुक के रीडिंग के दौरान भी रीड आउट किया था कि आपका जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें आपके इंडिकेटर का कलर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हर इंडिकेटर का कलर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर विल बी ग्रीन इन कलर व्हेन एवर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। नंबर 2, व्हाट कलर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इन स्ट्रॉन्ग अल्कली। इन स्ट्रॉन्ग अल्कली यूनिवर्सल इंडिकेटर इज इन पर्पल कलर। ओके, पर्पल कलर। ओके, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्टमक। योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन योर स्टमक। ठीक है, आपने स्टमक का रीड आउट भी किया था, पूरा आपने प्रोसीजर रीड आउट किया था कि फूड कैसे चरण होती है, फूड कैसे डाइजेस्ट होती है, डाइजेशन के प्रोसेस में भी आपने पढ़ा था कि आपकी फूड में कौन सा एसिड ऐड होता है, आपके स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो किस लिए काम आता है, टू किल द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द फूड। इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, आंट स्ट्रिंग्स आर अल्कलाइन, अल्कलाइन नहीं होते, एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर अल्कलीज आर क्रोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलीज जो हैं वो क्रोसिव होते हैं। टूथपेस्ट कॉन्टेन वीक एसिड, टूथपेस्ट में वीक एसिड होता है, दैट इज फॉल्स। वीक एसिड एंड अल्कलीज आर स्वीट टू टेस्ट, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। सो द ट्रू स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज आर
क्रोसिव. ठीक है. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है. एसिड इन द फूड वी ईट आर वीक, जो हम फूड खाते हैं उसमें अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड है, दैट इज ट्रू. ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आइन. एसिड्स में देखें, HCl के एग्जांपल देती हूँ. एसिड्स में H प्लस आइन मौजूद होता है, हाइड्रोजन आइन मौजूद होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन फीवर आइन्स देन अ वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आइन कम होते हैं एज कम्पेयर टू वीक एसिड, दैट इज फॉल्स. जितने ज़्यादा H प्लस आइन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड नंबर डी, व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय एन अल्कली, जब एसिड न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है अल्कली, वाटर इज प्रोड्यूस, वाटर प्रोड्यूस होता है, दैट इज ट्रू. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 59. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? आर दीज एसिडिक, अल्कली और न्यूट्रल? यू हैव गिवन सम सब्सटेंसेज एंड यू आर आस्क्ड टू राइट वेदर द सब्सटेंस इज अल्कली, विच इज न्यूट्रल एंड विच इज एसिडिक. ओके, लेमोनार्ड इज एसिडिक. ओके, एसिड से है इसमें, इट इज एसिडिक. ओके, आपका वॉशिंग पाउडर अल्कलाइन है, अल्कली. ठीक है, आपका ब्लीच भी आपका अल्कली है. देखिए, आप ब्लीच को अगर टच करोगे तो स्लिपरी, आपका वॉशिंग पाउडर भी स्लिपरी होता है. तो आप इनकी प्रॉपर्टीज चेक करके आप बता सकते हो कि जो आपके एसिड्स हैं वो स्टिकी होते हैं, जबकि आपका अल्कलीज जो हैं वो सोपी या स्लिपरी होते हैं. आप लेमन में आपका एसिड मौजूद है, आप अगर लेमन को हाथ पर रख कर ड्राई कर लो, थोड़ी देर में चिपचिपाहट आपको फील होगी. ठीक है, स्टिकीनेस फील होगी. वाटर आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तभी तो आप पी सकते हो. लाइम आपका अल्कली है. एंड देखो, चूना आपका थोड़ा सा स्लिपरी होता है. नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल आपका एसिडिक है. ठीक है, नाउ टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 60. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. यूज दीज वर्ड्स टू फिल द गैप्स इन दिस पैसेज. एक आपको पैसेज दिया गया और आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, एंड यू आर आस्क्ड टू फिल दीज गैप्स विद दीज वर्ड्स. वर्ड्स आर बिल्डिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, फिश, नाइट्रस एसिड, प्लांट, सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, रेन क्या डिजॉल्व करती है? फ्रॉम द एयर. एयर से क्या डिजॉल्व करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड फुल लिख लेंगे. अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख रही हूँ. ठीक है, फॉर्मूला लिखूँ या कार्बन डाइऑक्साइड लिखूँ, एक ही बात है. फ्रॉम द एयर मेकिंग कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बनाएगा. अदर गैसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री, दूसरी गैसेज जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती हैं, कॉज रेन टू बी मोर एसिडिक, रेन को मजीद एसिडिक बनाती हैं. दीज गैसेज आर डैश एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब देखें इसमें से कौन सी गैस है, एसिड है या सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या है, गैस है. सो हेयर वी विल राइट सल्फर डाइऑक्साइड, SulphurDioxide डाइऑक्साइड पूरा लिख लेंगे. ठीक है, डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म सल्फरस एसिड एंड नाइट्रस एसिड, NITROUS नाइट्रस एसिड. बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज, फॉसिल फ्यूल क्या है इसमें, कोल एंड ऑयल गिव ऑफ दीज गैसेस कॉजिंग एसिड रेन डैमेजेस डैश एंड डैश को किस चीज़ को डैमेज करता है, आपकी बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा और इसमें क्या है आपके प्लांट्स हैं. ठीक है, तो किसको डैमेज कर रहा है, बिल्डिंग्स, BULDING. ये आई नहीं है, बिल्डिंग है, BULDINGS, बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स. इट ऑल्सो पोल्यूट्स वाटर किलिंग फिशेस. वाटर में क्या होते हैं, फिश होता है, तो किल फिश. फिश इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में भी फिश इस्तेमाल होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिशेस ES नहीं लगाएंगे. एन इंडिकेटर इज अ डाई. इंडिकेटर क्या है, एक डाई है दैट चेंजेस कलर, जो अपना कलर चेंज करते हैं व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और अल्कली, जब उसे एसिड और अल्कली में डाला जाता है. नेम वन इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर का नाम लिख लें. लिटमस पेपर इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, लिटमस पेपर, या फिर सिंपल लिटमस लिख लें,
या फिर इसके अलावा आप फिनोथलीन भी लिख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट. वट कलर विल दिस इंडिकेटर बी इन एसिड एंड अल्कली? आप जो इंडिकेटर लिखेंगे उसी का कलर आप लिखेंगे, एसिड में क्या होता है और अल्कली में क्या होता है. लिटमस का रेड होता है एसिड में और अल्कली में ब्लू होता है. ठीक है, नेक्स्ट. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डाइस. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर है डाइस का. इट गिव्स अ डिफरेंट कलर एट ईच पीएच नंबर. वो हर पीएच नंबर पर डिफरेंट कलर देता है. व्हाई इज इट यूजफुल? ये क्यों यूजफुल है? तो ऊपर लिखें इट गिव्स. क्यों यूजफुल है? इट गिव्स क्योंकि ये हमें देता है, क्या देता है? एन इंडिकेशन, इंडिकेशन इंडिकेट करता है ना हमें, किसकी इंडिकेशन करता है? इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, टी आर ई एन जी टी एच, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड अल्कली, एसिड और अल्कली, एसिड और अल्कली की स्ट्रेंथ हमें बताता है. इसलिए इसका क्या है, डिफरेंट कलर देता है हर पीएच पर. जैसे जैसे पीएच चेंज होती जाएगी वो आपको स्ट्रेंथ बताता जाएगा, और उस स्ट्रेंथ और उस पीएच की बेस पर हमें और उसके कलर के चेंज की बेस पर हमें पता चल जाएगा कि हम हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या अल्कलाइन नेचर में है या न्यूट्रल है. 1-2 जितना भी पीएच कम होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा. एस लिख रही हूँ स्ट्रांग एसिड. ठीक है, 3-5 तक वीक डब्ल्यू वीक एसिड. ठीक है, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा. आपको जस्ट क्या करना है, इसको आपको दिया गया है कलर द पीएच स्केल बिलो. आपको पीएच स्केल दिया गया है, इसे कलर करना है यूजिंग द करेक्ट कलर फॉर ईच पीएच नंबर. करेक्ट कलर इस्तेमाल करके पीएच नंबर. मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट दीज लेबल इन द बॉक्सेस. इन लेबल को बॉक्सेस में लिखे अंडर द करेक्ट पीएच नंबर, करेक्ट पीएच के नंबर के नीचे. आपको यही दिया गया है न्यूट्रल कौन सा है, स्ट्रांग कौन सा है, वीक कौन सा है. ठीक है, वीक अल्कली कौन सा है, स्ट्रांग एसिड कौन सा है. मैं यहाँ पर ये फिल आउट कर रही हूँ और इन बॉक्सेस में आपने उसी के अकॉर्डिंग कलर करना है. ठीक है, यानी कि हर पीएच कलर पर कौन सा आएगा आपने अपनी बुक से देख लेना है कलर और इसको कलर कीजिएगा. 6-8 न्यूट्रल आ जाएगा. देखिए, आप जो वाटर पीते हैं वो एग्जैक्टली 7 नहीं है, 7 से थोड़ा सा ऊपर 7.5 भी हो सकता है उसकी पीएच, और 8 भी हो सकती है. लेकिन जैसे ही वो 9 की तरफ जाएगी इट विल बी इन अल्कली. और आपका पीएच कम भी हो सकता है, 6 तक तो आप पानी जो इस्तेमाल करते हो उसे इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन जैसे ही वो 5 के रेंज में जाएगा इट विल, योर वाटर विल बी एसिडिक. बट जब आपके वाटर की ये रेंज होगी एग्जैक्ट 7, आपको बहुत रेयर मिलता है. ठीक है, आपके 7.5 भी आपका पानी का अगर पीएच है तो देन इट इज़ यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग. ओके, जाहिर सी बात है पीएच आपकी कम है यहाँ पर तो वीक अल्कली, और पीएच जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रांग अल्कली. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी हैव डन द 3 पेजेस ऑफ चैप्टर 9 वर्कबुक्स वर्क. चैप्टर 9 के वर्कबुक का काम हमने किया 3 पेजेस का. होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर होगी होगी कि मैंने किस तरह सॉल्व किया. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू पेज नंबर 61 and 62 and 63. रेस्ट ऑफ द वर्क यू हैव टू ऑफ दिस चैप्टर. आपने इस चैप्टर का जो बाकी काम है वो खुद करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रेस्ट ऑफ द वर्क डिस्कस करेंगे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फी अमानुल्लाह.